टोल प्लाजा हटाने को लेकर छठा दिन भी आंदोलन जारी रहा, जिसमें सभी दल जेएमएम, कांग्रेस, जदयू, आरजेडी, बीजेपी के सदस्य शामिल रहे। हजारीबाग के कन्हरी स्थित एनएचआई के कार्यालय का समिति ने सैकड़ों की संख्या में घेराव किया और एनएचआई एवं अन्य लोगों के खिलाफ नारेबाजी भी की। आदर्श युवा संगठन टोल टैक्स विरोध समिति के अध्यक्ष गौतम कुमार ने कहा कि जयंत सिन्हा के विवादित बयान के बाद सभी दलों ने अपना सहभागिता देकर आंदोलन को धारदार बनाया। दो माह से चल रहे आंदोलन के बाद भी सभी दलों के सदस्यों ने एनएचआई हजारीबाग का घेराव कर टोल प्लाजा हटाने की मांग की। घेराव के दौरान एनएचआई होश में आओ, हमारी मांगे पूरी करो, अवैध टोल प्लाजा को हटाओ का नारा लगा। घेराव के बाद कार्यालय में उपस्थित कर्मचारी को टोल प्लाजा हटाने को लेकर मांग पत्र सौंपा गया। उन्होंने यह भी बताया कि अगर आने वाले दिनों में टोल प्लाजा को नहीं हटाया जाता है तो विधानसभा का भी घेराव हम सैकड़ों की संख्या में करेंगे। खबर 365 न्यूज के लिए हजारीबाग से रवि शर्मा की रिपोर्ट। सबसे पहले बात है कि लगातार दो महीने से जो नगांव टोल प्लाजा हटाने को लेकर के जो आंदोलन किया जा रहा था, तो अभी तक इस पर एनएचआई मुकर चुकी है और फिर से हम लोग धरना प्रदर्शन अभी चालू किए हुए हैं। इसमें सभी दलों के लोगों ने शामिल हुए और बात यही रखी गई है कि अगर नगवा टोल प्लाजा को नहीं हटाया जाता है तो अभी हम लोग ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। अगर मांग को पूरा नहीं करती है तो हजारीबाग से जितने भी सर्वदलीय लोग हैं सभी लोग मिल करके विधानसभा का घेराव करेंगे। मांग क्या है आप लोगों का? मांग यही है कि नगवा टोल प्लाजा जो अवैध रूप से बना हुआ है उसको किसी भी हाल में हटाया जाए। कैसे जानते हैं कि वैध है या अवैध है? सबसे पहली बात यह है कि जो किसी भी टोल टैक्स जो बनता है वो नगर निगम से 10 किलोमीटर दूरी पर होना चाहिए, लेकिन नगवा स्थित जो हवाई अड्डा है वो मात्र 3 किलोमीटर दूरी पर बना हुआ है। दूसरी बात यह है कि हवाई अड्डा से किसी भी टोल प्लाजा की दूरी जो है 3 किलोमीटर होना चाहिए, लेकिन ये 0 किलोमीटर दूरी पर है। तो और दूसरी बात यह है कि किसी भी जिला में दो दो टोल नाका नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एगो बरही में टोल प्लाजा बनाया गया और दूसरा यहाँ पर हजारीबाग में बनाया गया। तो इसी के आधार पर हम कहते हैं एनएचआई से कि जो अवैध रूप से बना हुआ किसी भी हाल में यह टोल नाका हटना चाहिए। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज, साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।